हैंड मार्केट्स ने आई मीन दिस हैज़ बीन एन अमेजिंग वीग सो फॉर आई मी नॉट अ सिंगल डे आर एनालिस हैज़ यू नो बीन प्रूवन रॉन्ग बाई मार्केट्स तो हम लोग यही बोल सकते कि मार्केट्स हमारी एनालिसिस को रिस्पेक्ट कर रही है ठीक है बट इट्स गुड टू सी देखो अभी क्या हुआ था रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क किया था आज प्राइस वहाँ से एग्जैक्टली exactly पलटा है ये जो मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया था क्यों मार्क किया था कुछ था नहीं ऐसा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कुछ था नहीं मैंने सिर्फ ये देखा था कि यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजेक्शन लेके मार्केट ने ऊपर यू नो नीचे डाउन मूव दिया था काफ़ी अच्छा एंड यहाँ पे देखो मार्केट ने रीटेस्ट भी लिया था मतलब प्रीवियस डे जो लो बोलते हैं जिसको अपन यू नो एक देते हैं जब भी, भी हम लोग प्राइस एक्शन में सपोर्ट या रेजिस्टेंसिस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने एक यू uh, नो you know, एक कैन से यहाँ से एक अच्छा फॉल आया था रिएक्शन अच्छा था प्राइस का यहाँ से तो दैट्स रीजन यू नो आई हैड मार्क दिस लेवल हैज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर टुडे एंड इफ यू गाइस सी एग्जैक्टली मतलब पिन पॉइंट परफेक्ट यहाँ से मार्केट ने देखो अभी कैंडल स्टिक्स जो मैंने आपको सिखाया है कैंडल स्टिक्स को कब इंपॉर्टेंस देते हैं दो चीज मैंने बोली थी आपको हमेशा फर्स्ट, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे है, क्यू? स्टिक्स को तब देना है जब वो अप्रेंड के बाद या जो भी प्रीवेलिंग ट्रेंड है उसके बाद फॉर्म हो रहे और सेकेंड चीज अगर वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो रहे हैं तब उसको इंपॉर्टेंस देना है मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉग अप ट्रेंड था एग्जैक्टली exactly डोजी पे जाके सॉरी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे जाके एक डोजी बनी है एंड यहाँ पे मैंने चार्ट अपलोड कर दिया था आई थिंक यहाँ पे मैंने मैसेज भी डाल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में कि वी आर बुकिंग आर शॉर्ट्स सॉरी लॉन्ग्स कंप्लीटली इन निफ्टी ओके एंड वहां से एक बहुत अच्छा फॉल आई इनफैक्ट हमने यहाँ पे एक पुट uh, का ट्रेड लिया था ए टी एम पुट यू बिलीव हम लोग ने एटीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी का ए टी एम पुट लिया था ट्वेंटी रुपीज के अराउंड ठीक है वो फिर एट द एंड ऑफ द डे तो वन ट्वेंटी गया बट वी बुक डे एट अराउंड सिक्सटी फाइव ओके लास्ट टारगेट वॉज एटी मतलब ऑलमोस्ट फाइव फोर एक्स हो गया था वो पुट ठीक है एंड ऑफ डे पॉलिसी अनाउंसमेंट आई पॉलिसी अनाउंसमेंट में एक्सपायर गया फिर मार्केट नीचे, नीचे 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 जाती गई देखो सेल ऑफ में इंटेंसिटी देखो कितनी स्ट्रांग है मार्केट की ठीक है तो अब यह सेकेंड टाइम हो रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट दे के सस्टेन नहीं कर रहे है विच इज थोड़ा अलार्मिंग नाउ क्यू क्योंकि अभी ये यू नो बाय द डिप्स वाली मार्केट नहीं लग रही है अब हमारे हिसाब से ये थोड़ा डिस्ट्रीफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो बोलते हैं मार्केट में वो चालू हो रहा है ठीक है तो आगे के जो भी अप मूव्स आएंगे मार्केट में हम क्वांटिटी काफ़ी कम रखेंगे वी विल नॉट बी इंटरेस्टेड हम लोग करेंगे ट्रेड हम लोग बुलिश ट्रेड्स भी लेंगे बेरिश ट्रेड्स भी लेंगे मार्केट में बट द क्वांटिटी दैट वी विल बी कीपिंग इन बुलिश ट्रेड्स विल बी लेस from now onwards simple reason being is this is the i think the second or the third time markets have given a very good breakout but markets have failed to sustain that breakout or markets have failed to continue that momentum on the upside okay so, हमारे लिए अब मार्केट थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चलेगी डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज नथिंग मतलब यू you नो know, माल चिपकाया जाता है आपको हायर लेवल्स पे ठीक है तो आपको थोड़ा अवेयर होना है थोड़ा स्मार्ट रहना है इस मार्केट में कि आगे जाके थोड़ा मे बी आई थिंक फॉल आ सकता है मार्केट में भी फिलहाल के लिए तो मेरे को लग रहा है साइडवेज काफी दिन तक चल सकते हैं नो no डाउट 19,000 भी आ सकता है मार्केट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 19,000 नहीं आएगा बट एट दी एंड ऑफ द डे वो बहुत स्लो मूविंग मूव रहेगा जैसे यहाँ पे कैसे एकदम स्लो मूविंग था वैसे वैसे करके मे बी नाइनटीन थाउजेंड तक जाए मार्केट बट वी वॉन्ट बी इंटरेस्टेड इन बींग मोर बुलिश इन द मार्केट नाउ अकॉर्डिंग टू अस मार्केट्स आर हेडेड फॉर अ गुड करेक्शन इन द नेक्स्ट कमिंग जून एंड जुलाई एज वेल ओके okay, मतलब ये महीना और जुलाई में काफी अच्छा करेक्शन आ सकता है मार्केट में ठीक है वी कैन बी रॉन्ग एज वेल एज जरूरी नहीं है यू नो एनालिसिस इज ऑलवेज राइट ठीक है नो डाउट लास्ट फाइव सिक्स डेज से इट हैज बिन गोइंग राइट बट इट इज कंप्लीटली नॉट नेसेसरी दैट मार्केट्स विल रिस्पेक्ट और एनालिसिस एवरी डे मार्केट्स आर इट्स ओन ओके जो मार्केट बोलेगी जो चार्ज बोलेंगे हम लोग को उसको ही रिस्पेक्ट करना है ठीक है फिलहाल के लिए जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ आपको कि फिलहाल शायद थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हो रहा है मार्केट में ठीक है So, ये हुई निफ्टी की बात निफ्टी में काफी अच्छा मूव है बैंक निफ्टी ऑल्सो रिस्पेक्टेड आर यू नो बैंक निफ्टी लेट मी ओपन द चार्ट फर्स्ट बैंक निफ्टी ऑल्सो रिस्पेक्टेड आर लेवल्स क्वाइट नाइसली टुडे बैंक निफ्टी में मैंने जो आपको व्यू बताया था कि मार्केट्स अगर इसके ऊपर निकलते हैं ये जो लेवल के ऊपर निकलते है तो पहले ये गैप रीजन फिल होगा गैप रीजन क्या था फोर्टी ओके एक्जैक्टली गैप रीजन फिल हुआ और यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है अगेन सी के बाद रेजिस्टेंस के पास डोजी कैंडल बनी है एंड फिर यू कैन सी द डाउनफॉल देखो बैंक निफ्टी मैंने बोला है कि यूजुअल ट्रेडिंग डेज में तो इतना ज्यादा ट्रेड कर नहीं सकते बिकॉज इसका प्राइस एक्शन कुछ यू you नो know, भलता ही है जब से फिर निफ्टी का इंट्रोडक्शन हुआ बट आज एक्सपायरी के दिन स्पेसिफिकली मैंने कल बोला था कि आज आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में अगर अपने ट्रेड लिए रहेंगे तो आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया रहेगा स्पेशली इफ यू हैड Puts of, you know, maybe 44, का puts अगर आपने लिया रहता तो यू हैव अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अगेन सी द सेल ऑफ इंटेंसिटी सेल ऑफ के कैंडल से कितने बड़े जबकि राइस के कैंडल्स कितने छोटे हैं ओके सो दिस शोज दैट यू नो मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है बट ये जो सेल ऑफ की इंटेंसिटी है वो काफी हाई है मतलब ऊपर ऊपर जा रही है मार्केट कोई अपना माल चिपका के फिर से नीचे लेके आ रहा है मार्केट को ओके सो है थोड़ा केयरफुल ठीक है ज्यादा यू नो पैनिक करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं कि यू नो इमीजिएटली टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट का फॉल आएगा इट इल इट विल टेक टाइम ठीक है ऐसा इमिजिएटली फॉल्स नहीं आते अनलेस देर इज अ वॉर ऑर सम ओके तो फिलहाल के यही मेरा एनालिसिस था आज के लिए ना लेट्स कल क्या कर सकता है मार्केट अभी नाव कल के लिए अगर मेरे को सपोर्ट एंड रेजिटेंसिस ड्रा करने हैं तो कल के लिए मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसिस क्या रहेगा सिम्पल ये जो एटीन थाउजेंड जहाँ पे मार्केट ने इतना चस्ट टाइम स्पेंड किया जो हमारा पहले रेजिस्टेंस का, का काम कर रहा था एटीन थाउजेंड सिक्स सिक्सटी फाइव

Okay, so my resistance for bank nifty will be 44145 and my support for bank nifty will be forty-three thousand eight hundred. We are nearing forty-three thousand eight hundred. I have told you guys this should not break. And if this breaks, and if this breaks as well, then we are officially in sell-on rise markets. Okay, then markets are no longer buy-on-dips. Okay, for yata एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी में अगर 43,400 थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड यहाँ पे ब्रीच होता है देन सेल ऑन राइस चालू होएगा सिमिलरली इन द केस ऑफ निफ्टी जो मैंने बोला है आपको कि 18,000 किधर गया वो लेवल 18,200 अगर ब्रेक होता है देन यहां पे भी एक सेल ऑन राइज मार्केट आपको दिखना चालू हो सकती है मतलब ऑफिशियली आप बोल सकते हो ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो सकता है क्यों क्योंकि सिंपल हायर हाईज हायर लोज बन रहे थे मार्केट में ठीक है अब जब ये टूटेगा तो फिर ये जो हायर हाई high बना था रिसेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये काफ़ी अच्छा स्विंग था तो अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आपको यू नो बोलिश रहने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में बट ऑफकोर्स इतना वेट नहीं करना है हमको हमको पहले ही साइंस दे देगी मार्केट अगर यू नो बेरिश हो रहे हैं तो ओके okay? सो so, ये हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात अगर आपको मेरा बायस जानना है कल के लिए ठीक है तो ऑफ कोर्स मैं टुमारो मॉर्निंग नाइन ए एम यू नो वंस दिस वीडियो गेट्स आई डोंट नो 300 400 लाइक्स में बी थ्री हंड्रेड के चलो ओके थ्री हंड्रेड लाइक्स आई एल बी पोस्टिंग इट हैज़ अ पिंड कमेंट टुमोरो एट नाइन ए एम शाह ओके सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो आई होप यू गाइज आर मेकिंग मनी यूजिंग आर एनालिसिस इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी एटलीस्ट आई होप दैट यू आर नॉट टेकिंग द रोंग ट्रेड्स एंड द लाइव मार्केट अपडेट्स दैट आई गिविंग इन द ऑन द टेलीग्राम चैनल आई होप यू नो इट इज हेल्पफुल ओके थोड़ा बहुत तो हेल्प हो रहा है आपको इफ इट इज हेल्पफुल प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स So, right, there, that is it from me, guys. Uh, this is that is the market analysis for tomorrow. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care, and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.